अबे यार ये क्या हो गया मेरे साथ, हमेशा ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। जब भी मैं कोई काम शुरू करने लगता हूँ तो मेरे साथ कोई ना कोई मसला बन जाता है। और आज फिर हमेशा की तरह मेरा शोरूम मेरी आंखों के सामने बर्बाद होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। और कुछ टाइम में पुलिस इसको बंद कर देगी, फ़िलहाल के लिए तो टेम्परेरी बैन हो चुका है ये शोरूम। इसलिए जितनी भी रेंट वाली गाड़ियाँ थी वो मैं ऑलरेडी निकलवा चुका हूँ। और मेरा ख्याल अब टाइम आ चुका है ख़ुद भी यहाँ से जो है चुप करके निकल जाएँ। यार इतना मुझे अफसोस हो रहा है ना। और ये इसको शोरूम को बंद करने पुलिस आ जाएगी थोड़ी देर में, लेकिन वो चीज़ मैं खुद नहीं देख सकता। तो खैर असल भाई को काम की कह देते हैं कि वो खुद ही यार पुलिस वालों से निपट लेंगे, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। जो करोड़ों रुपए लगा के मैंने शोरूम को मेहनत की थी वो सारी बर्बाद हो चुकी है इस टाइम पे। चलो यार निकलते हैं। असल भाई को वैसे फ़ोन कर देता हूँ इधर ही, तब तक गाड़ी के इंजन में थोड़ा सा हो जाएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम अस्सलाम लड़के, कैसे? मैं ठीक यार असद भाई। वो आपको पता है ना पुलिस आ रही है शोरूम बंद करने। हाँ लड़के क्या कर सकते हैं अब। अच्छा तो सीन ये है कि गाड़ियाँ तो मैंने निकलवा दी जितनी भी रेंट वाली थी, तो मतलब शोरूम बिल्कुल खाली है। लेकिन आप ऐसे कर लो कि यहाँ पर ज़रा शोरूम पर आ जाओ, पुलिस आने वाली होगी थोड़ी देर में, तो उन्होंने लॉक्स वगैरह लगाने। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं सामने खड़े होकर ये चीज़ देख सकूँ, मुझे और ज़रा ज़्यादा सदमा पहुँचेगा। तो बेहतर ही है कि आप जाने एक बड़ी तरह आ जाओ। इतनी मेहनत की थी यार। चलो कोई बात नहीं, अब कुछ कर नहीं सकते हम इस टाइम, थोड़ा बुरा टाइम चल रहा है। इंशाल्लाह एवरीथिंग गोना फाइन। बाकी खैर देखते हैं, कुछ और करते हैं। चल ठीक है मैं पहुँचता हूँ। तू उधर ही रहेगा या निकल रहा? नहीं यार मैं शोरूम पर हूँ, सारा शोरूम खाली करवा दिया, लेकिन फ़िलहाल मैं निकल रहा हूँ। मेरे अंदर जो है ना अब हिम्मत नहीं है और इस चीज़ की। चल ठीक है आ रहा हूँ यार। ओके थैंक यू यार। चलो यार कसम से इतना ज़्यादा दुख हो रहा है मुझे जिसकी हद नहीं है। एक बीसी इंसान की वजह से जिसने हमारे साथ धोखा किया, हमारा 2 करोड़ का नुकसान भी किया, साथ ही साथ हमारे शोरूम की भी मतलब क्या बताऊँ मैं, वहाँ पे नहीं करती है। क्योंकि शोरूम से वो एक चोरी गाड़ी बरामद हो चुकी है। तो पुलिस वाले कह रहे हैं मेरे पे पर्चा उन्होंने कोई नहीं किया। ठीक है मतलब एप्लीकेशन तो है उनके पास, लेकिन ये है कि फ़िलहाल मुझे जेल में बंद नहीं किया, लेकिन शोरूम को बंद करना लाजमी है, वरना ऊपर से ऑर्डर्स हैं, बाबा भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। इतना कुछ सोचा था मैंने शोरूम को कहाँ से कहाँ ले जाऊँगा, और लेकिन क्या हो चुका है। खैर जो होगा अब देखा जाएगा। मेरा तो खुद इतना ज़्यादा दिल टूट चुका है, डिप्रेस हो चुका हूँ, ऊपर से साथ ही साथ ऑटो शो भी आ रहा है, तो उसके लिए भी अब मेरा दिल ही इकट्ठा हो चुका है। दिल ही नहीं कर रहा, मेरा गाड़ी चलाने को भी दिल नहीं कर रहा, इस चीज़ से दूर जाने को दिल कर रहा है। लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, अब ये पार्ट ऑफ लाइफ है, सहना पड़ेगा। हो जाता है, अच्छा पूरा टाइम आ जाता है। चलो खैर उससे पूछ लेते हैं दूसरे से, रशीद से, ताकि यार क्या सीन है। रेड सिग्नल हाई रुक जाते हैं पहली बार, थोड़ा सा यू नो कर लेते हैं। रशीद से पूछ लेते हैं क्या सीन है गाड़ी का, क्योंकि भाई अब ये सैड तो नहीं रह सकता मैं। आप लोगों को भी सैड कर रहा हूँ फजूल में, सॉरी। रशीद को करते हैं फ़ोन, क्या कहता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम रशीद भाई। वालेकुम अस्सलाम जान के टोटे, कैसे? मैं ठीक ठाक, आप किधर हो? मैं यार ये वर्कशॉप पे हूँ, तू किधर है? जरा आ सकते मेरी तरफ? हाँ सब खैरियत है वैसे? हाँ हाँ खैरियत है। जरा आ सकता है तो आज किधर बाहर ही कह रहा तू? अरे मैं घर जा रहा हूँ वैसे। ओ भाई वेल डन हो गया, जल्दी मेरी तरफ है, मैंने भी जाना जरा। हाँ आपने किधर जाना है? अबे यार तो सही भाई। अरे चलो फिर बाहर जल्दी निकल खड़े हो, मैं आ गया हूँ बस। मैं आ गया जान के मैं बाहर ही खड़ा हूँ, समझ बाहर खड़ा हूँ, आ गया बस। चलो आ जाओ, मैं आ गया हूँ। अब इनको क्या हो गया, इनसे पूछते हैं गाड़ी की क्या अपडेट है। थोड़ा BMW मिले, थोड़ा उसको भगाएं, को ड्रिफ्टिंग करें, थोड़ा दिमाग को सुकून मिले यार, क्योंकि गाड़ियाँ भी मेरे लिए ना एक तरह की थेरेपी हैं। ओह बाहर निकल भी आए। आ जा रशीद के बच्चे, गाड़ी में बैठ के बात करते हैं, उतर के मैं नहीं जाने वाला अब इस हरामखोर के पास। जल्दी आ जा। हाँ हाँ लड़के 1 मिनट लगा दिया। आगे आगे कहीं पास ही था क्या? हाँ मैं पिछले रोड पे ही था। अच्छा अच्छा हाँ जी बताओ क्या कह रहे थे, किधर जाना? अबे अपने घर जाने थे जरा, ताया अबू से मुझे काम है। हाँ ताया अबू से आपको कौन सा काम पड़ गया, उनकी तो गाड़ी भी नहीं है तेरे पास। अबे यार वैसे भी दोस्त भी हैं, हमको काम पड़ ही जाता, तू जाने दे बस। और दोस्त ना लड़के क्या बना तेरा? कुछ नहीं यार फिलहाल रशीद भाई बहुत बुरा सीन हो गया, बाबा अभी गुस्से में है फुल, मुझे बुला रहे हैं अभी भी, वो भी मुझे पता डांट पड़नी है मुझे अच्छी खासी। और बाकी शोरूम में बंद हो चुका फिलहाल ना। करिए सर हुआ कैसे यार? यार मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूँगा, अभी टाइम नहीं है इतना। क्योंकि अभी पापा से जाके इतनी बेइज्जती करवानी है मुझे, वो बस हो रहा है कि वो कैसे करवाऊँ। चल चल लड़का परेशान ना होता रहता है। तुझे पता है मेरे साथ भी हुआ था, मेरा शोरूम बंद हो गया था, मेरी 4 गाड़ियाँ चोरी हो गई थी, तो ये होता रह जाता है ज़िंदगी में ना। तुझे पता उतार चढ़ाव आते रहते, परेशान ना हो बस। बस ये है कि थोड़ा इसको ना ठंडे दिमाग से सोच और सारा कर। हाँ बस अब क्या कर सकते हैं, खैर तो जो होना तो हो गया। बाकी ये बताओ मेरी गाड़ी का क्या बना है, कहाँ पर अपडेट है? लड़के गाड़ी तेरी का सीन ये है कि ऑलमोस्ट रेडी है, ठीक है। बस कुछ चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह जल्दी मैं कर देता हूँ, कल शाम तक गाड़ी तेरी आगे ले जाएँ बेशक। चलो ठीक है। और ऑटो शो की क्या अपडेट है? डिले हो गया था पहले तो। हाँ वो तुझे पता स्मोक की वजह से सारा शहर बंद कर दिया था उन्होंने, तो इसलिए डिले हो गया था। बाकी अभी जो है ये मंडे को होने वाला है। इस मंडे को मतलब 3 दिन रह गए? हाँ इस मंडे को इंशाल्लाह ऑटो शो है, तो मतलब रेडी हो जा। आपने रेडी करनी है गाड़ी, मुझे तो नहीं है। जान के छोटे मेरे तरफ तुझे गाड़ी रेडी मिलेगी, तो बस अपनी तैयारी पकड़। बात डालना होगा, डालना होगा। चलो यार कहीं से थोड़ी खुशी आए तो थोड़ा जाए, कोई इंटरटेनमेंट तो हो, वरना तो इतनी बोर हो चुकी है लाइफ। और मुझे तो लग रहा है मैं डिप्रेशन में चल जाऊँगा ये सब मामला की वजह से। अबे नहीं नहीं परेशान मैं तो यार लड़के, ईजी सीन है। बाकी अगर ज़रा पास आना, बात सुन। हाँ हाँ बताओ। बाकी अगर ज़्यादा सीन डिप्रेस्ड हो रहा हो ना, तो मुझे पता है ज़रा बच्चियों सच्चियों से मिलाता हूँ तुझे, ओके हो जाएगा। अब यार तू बिना रशीद के बच्चे मैं कहूँ पता नहीं कुछ क्या बताऊँ तुझे गंदे। भाई इसमें गंदे वाली कौन सी बात है यार, चिल करेंगे ब्रदर, पार्टीज करेंगे, पैसा है ना पास। पैसा तो है लेकिन चलो देखते हैं। दिल हरामी का खुद का भी कर है, बड़ा तेज है तो साले। बाबा नहीं 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 आजा, मैं आजा जरा अंदर ही होंगे बाबा। नहीं नहीं जरा माइकल से बचा मुझे, और तैब अपने को बाहर भेजें, पता मैंने उनको मैसेज कर दिया। चलो फिर मैं जाके गालियाँ तो सुन लो उनसे। हैं ठीक है मिलते हैं फिर। ओके ओके लड़के इजी सीन है, बाकी परेशान हो होते रह जाते यार, ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है, बेफिक्र हो। हाँ खैर अब क्या कर सकते हैं यार, ठीक है जो होना तो हो गया, कुछ सब कर नहीं सकते। हाँ हाँ इजी सीन है, परेशान ना हो बस। हाँ ओके। बाकी तय को भेजियो भाई। हाँ मैं भेजता हूँ उनको भाई। ओए ओए यार जाके पापा की बात सुनते। पापा की मेरी 4 कॉल्स आई हैं उधर, जब मैं खड़ा हुआ था ना शोरूम पर, मैं कहा भाई शोरूम खाली करके आ रहा हूँ, नीचे ही बैठे होंगे शायद, बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम पापा। अस्सलाम वालेकुम ताबू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है पता? ठीक है हाँ जी ठीक हूँ मैं। हाँ भाई आ गए? जी पापा आ गया हूँ। यार मुझे बस इतना बता दे जिमी, कब तक तूने मेरे गले ये ज़ाब डाली रखनी है? यार पापा इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना, मेरे साथ खुद स्कैम हुआ है, या तो मैंने खुद कुछ जानबूझ के किया हो, कोई मेरे ऊपर वैसे केस वगैरह हुआ हो तो मैं समझू। ताबू आप बताओ ना यार, मैं कि गमच में मैं तेन इतना समझाना रहा हर चीज़ थे, लेकिन तू किधर समझना है यार। ताबू यार इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं, आपने बताया पापा इनको सीन सारा? हाँ जी बता चुका मैं इसको सारा सीन। खैर मुझे बस इतना बता दे कि कब तू अपने मैच्योर होगा, कब अपने पाँव पर खड़ा होगा और ख़ुद के मसले कब खुद से हल करेगा। मैं पता है कहाँ पर था, मैं एक इतनी ज़रूरी मीटिंग में था ना, जो मुझे छोड़ के आना पड़ा। यकीन में मेरे कम से कम 2 करोड़ का नुकसान हुआ होगा। मेरे से ले लेना यार पापा, क्या हो गया? ऊपर से मेरे से बकवास कर रहा है, मेरे से ले लेना। मैं से तुझे इतना कह रहा हूँ कि मेरी बात आज समझ ले, इस बार मैं आया हूँ तेरे पीछे, अगली बार से नहीं आऊँगा। अब जो करना है तुझे अपने सर पे करना है, अगर तो कोई बिजनेस करना है, वरना ऐसे कर जो तूने पढ़ाई बीच में छोड़ी है ना, सेमेस्टर फ्रीज कराया हुआ है, दोबारा से यूनिवर्सिटी जा, ठीक है, अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर और कहीं जॉब कर। तो भाई बिजनेस के लिए बना ही नहीं है। अब यार पापा आप जॉब करने लगता हूँ, लॉस हो जाता है, मैं क्या करूँ यार, मेरी थोड़ी गलती है इसमें। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, तो ऐसे कर, या तो बिजनेस करना तो कर ले, 1 हफ्ता तेरे पास सोचने के लिए, अच्छे से सोच सुकून से, ठीक है। अगली जुमेरात तक मुझे तेरा आखिरी फैसला चाहिए। अगर बिज़नेस करना है तो खुद करना है, फिर तू मरेगा, जिंदा रहेगा, जेल में होगा, जिधर होगा, मैं तेरे पीछे नहीं आऊँगा, ठीक है। 1 रुपया भी नहीं लगाऊंगा मैं अभी। या तो फिर ऐसे कर ले कि यूनिवर्सिटी जा, दोबारा से पढ़ाई शुरू कर, तब जब तक तेरे पढ़ाई का खर्चा वो सारा मैं उठाता हूँ, सही है। फिर जॉब शुरू करें, जॉब इंसान के बच्चों की तरह करें और अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार। अब मुझे बता दे करना क्या है तूने? मैं पापा क्या होता हूँ यार, पापा मेरी थोड़ी गलती है यार, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। उस हरामखोर ने मेरे पे शोरूम पे आया, मेरे साथ स्कैम कर लिया यार। मैं पापा कुछ जानबूझ के करूँ तो फिर आप कहो भी कि हाँ यार इसकी गलती है, तो ये इसका, मेरी तो गलती भी नहीं है यार। तो भाई कब मैच्योर कब हो गए तुम्हें, कब पता चलेगा? साफ तुम्हें बताएं कि बात करना इस तरीके से नहीं पता चलता ना। तुमने गाड़ी चेक किया ना, पेपर्स दिए, ए मैं 2 को 3 करोड़ का अपना नुकसान करवा दिया, पर्चा ऊपर से करवा लिया, शोरूम ऊपर से बंद करवा दिया, और कितना यार तो नुकसान करेगा जिमी, मुझे बता दे बस इतना। यार पापा बताया आपको यार, कुछ तो बोल दो यार। क्या बोला यार जिमी, मैं भी गला छोड़ के बैठा पहले तेरे अबे को। क्या बोले वो तुझे मुझे बताना, तू खुद बोल रहे ना जो तूने बोलना है। क्या बोलो यार मैं पापा, मैं इतना परेशान हो चुका हूँ, आप ऊपर से मुझे डांटते जा रहे हो। मैं नहीं बहुत सुनता चीफ यार, मैं मतलब इतना हम देख भी रहे हैं, मेरी इतनी पहले क्या कहूँ यार, कुछ समझता ही नहीं है मुझे यार। हसन भाई भी यहाँ तो वो भाग के अपने घर चले गए, उनको भी मसले पड़ रहे थे, अब मेरे साथ लड़ी जा रहे हैं। जी ऑनलाइन या किसी से लॉक करो इसको। कहाँ पहुँच गया यार, मैं कहाँ पर था, इतना नुकसान मेरा, क्या हो रहा है यार सब कुछ मेरे साथ। मैं तो मतलब हर कोई मेरे साथ बोल रहा है, कोई मुझे समझने वाला नहीं है। मैंने किसी को बुलाना ही नहीं है। मैं एक दिन तक घर छोड़ के चला जाऊंगा सबसे दूर के पहाड़ों में, खुद ही रोते रहेंगे फिर, किसी को मेरी एहसास और कदर ही नहीं है। अच्छा यार माइकल, तू भी थोड़ा औलाद रखे कर, अगर बच्चे ना हो गए ना थोड़े तो फिर यार तू भी थोड़ा समझा कर उन्होंने। यार नज़ाकत भाई मुझे इतना बताएं, कब तक इसको मैं समझूँ, कब तक इसको मैं समझाऊँ, कब तक मैं इसके पीछे जाऊँ। पता है आज मुझे वो आईजी ने कितनी बातें सुनाई हैं सिर्फ इसकी वजह से कि यार वो ये तो आपका बेटा है, ये ऐसे कैसे हो गया है, ये है वो है, मतलब मैं आपको क्या बता भी नहीं सकता जितनी जितनी बातें इसकी वजह से मैंने सुनी है। चल कोई नहीं यार, अभी हर मुश्किल जी तेरे साथ नाल होंदा, जेड़े तेरे तो ढोले पाए ने पिछले बद देना च, वो नाल ही खड़ा है तेरे। हाँ तो मैं भी उसके साथ खड़ा, मैंने उसको घर से नहीं निकाल रहा, मैं उसको कोई बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा कि भाई कुछ कर ले अपने सर पर, बस इतनी बात की मैंने। चल कोई नहीं यार, कर लेगा कर लेगा। और हूँ तू क्या करना है? मैं बैठा हूँ इधर ही, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा, फट रहा है मेरा इस टाइम सर। अच्छा चल परेशान ना हो, मैंने जरा मैसेज में रशीद आया खड़ा, मिलना वहाँ। हाँ चलो ठीक है ठीक है, चलो ओके मैं आना फिर। ओए होए यार इन्होंने भी ना बड़ोले पै गए ने बड्डे, जिम्मी भी गुस्सा करके चला गया, ऐ बोली जा रहे पता नहीं की बनेगा साढ़े घर का भी किधर कर। आइए रशीद साहब की हाल ने? अस्सलाम वालेकुम, क्या हालत है? आप लॉन्ग टाइम नो सी, पहचानते नहीं हो अब हैं? और नहीं नहीं यार तू तो पर हाँ साडा की हो गया, खैरियत से आज अचानक आया, वैसे तो मिलता भी नहीं यार तू भी किसी काम तो बगैर। अबे मर्जी है तैयाब, मर्जी है, एक तो मिलने खुद नहीं आते ऊपर से अगले पे नाम। और नहीं नहीं ओन जी कह रहे सी, तू सुना चाह पानी अंदर आ जा। नहीं बाहर चलते हैं ना, कहीं बाहर से कुछ खाते हैं। चल बाहर चले जाने हैं, मैं लगता बहुत पैसे आ गए तेरे को, आ जा आते ना सहरा करावा। अबे नहीं सिविक पे चलते हैं ना यार। और नहीं तो यार सिविक पेट्रोल बहुत खाती है, की करिए बराबर ही खाती है, वो 11-12 किलोमीटर करती है, ये करती है 10। हाँ तो फिर चल आ जाते तेरा दिल से व्यक्ति चल रहे हैं गाड़ी। वैसे ओके ना, मसला मसाइल तो नहीं पीछे वगैरह मतलब कोई? और यार गाड़ी तेरे सामने अक्का सामने यार की हो गया, तो परेशान क्यों होना है, बाकी कोई काम होएगा तेरे को ले आवांगे, तो परेशान ना होया कर बस। हाँ वो तो मुझे पता है, मेरे पास ही आओगे। अबे यार इसको तो मतलब बड़ा ओके रखा हुआ आपने, मतलब कोई आवाज़ तक नहीं है गाड़ी में से। और यार गड्डी तेने पसंद आया तेरा, फिर ए वानी रखता है 10 की खड़ा भी नहीं, खाना पीना अताब। मेरे एक दोस्त है उसकी तरफ चले, मुफ्त का खाते हैं आज, चले जाने तेन पता ताया फिर मुफ्त खो रही है सारा तो अगर होता ना। किधर है तेरे दोस्त का? वापस घुमाओ नहीं दिया पहले दहाना, मैंने एवं अगे ले जा रहे हैं। ओए होए होए ओए ट्यूनिंग कराई ना, चेक कर ग्रिप चेक कर, नवे टायर पुआए ने गड्डी दे, हुण ग्रिप चेक कर गड्डी दी। ओए होए होए ताया आप नॉट कमिंग स्लो। अच्छा ऐसे चलो, मैं पीछे बैठा हूँ, मुझे डर लग रहा है। तेने आगे क्यों नहीं बैठा तू? यार वैसे मैं देख रहा था ना गाड़ी का इंटीरियर, मतलब कोई मसला मसाइल तो नहीं? ओ यार नवी गड्डी तेन पता ना, मेरे घर बच्चे ने ना कुछ ने, जरा सीटा खराब होने कुछ ए वन पई है गड्डी सारी। हाँ ये तो है, ताया तो ब्रांड यार गाड़ी तो ए वन ही रखते हैं ताया भाई ना, तो और नहीं देखी तू एवं बस चबला मारे जाना मेरे बैग। ओ हटो नहीं दिया, अबे किधर पकाई जा रहा है, घर पीछे रह गया। ला तू भी अन्नी दे बच्चा यार, पहले दस सीधा होता ना, किधर है किधर घर? अभी जो आपका घर था ना पुराना उसके सामने वाला, तो घूम के जाने फिर, चल इधर घूम के जाने ना दो भाई मिल गए। वे तू चेक कर भाजी के भी स्पीड नाल रही है ना, बड़ी गड्डी की बड़ी पेक वध गई है। हाँ हाँ मजे था अबू। ओए बच गए बच गए, जल्दी निकालो। क्यों ऐसा क्यों होता है? पाइन हो जाता है भाई, निकालो निकालो जल्दी। चलो चलो भाई आसान तो पता ही कोई नहीं की होया। हेलो हाँ दास क्या कर रहे हो, तो यूनिवर्सिटी है? हाँ बस यही है साथ वाला। हाँ ये जाने दो हेलो। हाँ इससे मिलवाता हूँ आपको। इधर ला दिए फिर गड्डियाँ। अबे आगे इतना बड़ा किराया नहीं लगा रहा आपको। ओ चाहे वैसे कर देना। सॉरी इधर ना लगा दो ना। अच्छा हो तो खड़ी कर देना है। अबे जाने दो ताया, आपको क्या चबले मार रहे हो। अच्छा गुस्सा ही कर रहे, मजाक कर रहे थे ना। इधर यार नहीं पीछे लाने, गड्डी गर्म हो जाए मतलब फिर मन मसले होते हैं इधर। ठीक है अच्छा भाई ठीक है। ओए होए तेरा दोस्त अमीर लग रहा है मैनू। हाँ अच्छा खासा अमीर है, बस मैंने उसको मैसेज कर दिया आ रहा होगा अंदर घर के अंदर है ना। हाँ तो चल अंदर चलिए। अबे यार तैयार वो थोड़ा सब्र कर लो, उस मिलने में लाना तो आप खुद मुँह भाग ही भाग जाएंगे। आप तो सारे छोटे छोटे रहते हो अपने घर में लोने रफाड़े, यहाँ पर ज़रा फैमिलीज रहती हैं तो ज़रा देख भाग के चलना पड़ता है। अच्छा यार सानों को ताने मारे नहीं दिया, शबाना आ जाना बहुत जल्दी इंशाल्लाह। हाँ वो जो आपको छोड़ के चली गई थी ना, उन्हें छोड़ के तो नहीं गई, उधर भी बाल बच्चे ने समझे घर। हाँ भाई यार कितने गंदे हो आप, कैसे कैसे रिलेशन रखे हुए हैं आपने। और चलो बाहर आ बेटा तू शरीफ ज़्यादा नहीं था बच्चा, मैं नहीं बोलता तेरे नाल। कितनी सोहनी है वैसे यार, देखो भी गड्डियाँ वाह ही नहीं है। हाँ हाँ दिखाता हूँ अभी आपको सारी की सारी। ऐसे यार जी फॉर्चूनर है देखो, मैं कितने भी नहीं देखी पूरे इतना लॉस एंटोस। हाँ लॉस एंटोस में 4 से 5 गाड़ियाँ ये सिर्फ, तो अभी तक देख लो फिर। ओए इधर यार को जुगाड़ ला देना, ये बड़ी टोर वाली गड्डी है। खेल लेते हैं क्या हो गया, इजी हो जाओ। आई थिंक वो लोग आ चुके हैं, जरा जाके देखता हूँ। रशीद ने मुझे कहा था कि वो ज़रा मिलवा देगा मुझे अंकल से। एक अंकल है जिनके पास सिविक 11 है, ज़रा उनको जुगाड़ मारना है। वो आ चुके हुए हैं। चलो यार वो रे मिलते हैं उनको जाके। अस्सलाम वालेकुम रशीद माय बॉय, कैसे है लड़के। मैं ठीक ठाक इब्राहिम भाई, आप कैसे हैं। अल्लाह के शुक्र ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, ठीक है। अब फिर वाह ठीक ठाक, तुम सुनाओ ठीक हो। जी ठीक ठाक। आओ यार बैठो अंदर, जरा चाय पानी पिए। आज नहीं लड़के मैं तो बस वैसे ही तुझे मिलने आया था, गुजर रहा था यहाँ से, मैं चलो हेलो हाय करता जाऊँ। अच्छा और सब सेट है। ये तारुफ नहीं करवाया तूने इनका। आज ये मेरा ताया अबू है, नज़ाकत अंकल है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हो गया एक बार ही होंदा सलाम। सही कह रहे आप। ओए जदू वो जिनका बता रहे थे इनके पास सिविक है। हाँ चेक कर लड़के। ओए यार ये गाड़ी मिल नहीं रही मुझे तैयबू से, आपने कहाँ से इसको जुगाड़ लगाया, मैं तो हर जगह पता कर चुका हूँ। ओए यार पहले मैंने वही बड़ी मुश्किल मिल गई सी पूरे लॉस एंटोस में, सिर्फ मेरे को गड्डी है यार सिविक 11 ठीक है। हुण जिहड़ा इहदी इंपोर्ट जिहड़ी वो बंद हो चुकी है, तो हम ए गड्डी मिलना नामुमकिन है फिलहाल अगले को 1.5-2 साल तक। यार ऐसे तो नहीं करो सर, हमें भी मंगवा दो कुछ जुगाड़ लगा तो तैयार हो, हम भी आपके मतलब ये रशीद वाला हिसाब ही समझ लें। अरे तो भी मेरे भतीजा जैसा है, लेकिन पता गल की है फिलहाल इम्पोर्ट हो गई बंद, मैं आप पता कराया मेरा भी एक तरह ना है भतीजा ही समझ ला। ऐसा उन्हें मैंने कैसे मैंने काले रंग मंगा दो, लेकिन की रोला बढ़िया मैं पता किया इम्पोर्ट पहले ऑर्डर भी हो गई सारा कुछ, जो कि मेरे जाना था जिद को मैं मंगाई है, तो फिर जो इंपोर्ट बंद हो गई इस गड्डी की क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया सी। यह गड्डी सानू पै रही 2.5-3 करोड़ की, तो फिर इसलिए उन वैसे गड्डी की वारते 80 लाख 90 लाख, तो फिर तेन पता इन्हें वो वारा नहीं खाता ना, इसलिए मैं उन्हें भी कहा कि 1.5 साल सबर कर जाए फिर मंगा दी। अच्छा नहीं मेरी तो नज़रें नहीं हट रही आपके सामने है गाड़ी से, मतलब ये तो लव है मेरे लिए। और यार गड्डी है बड़ी सोहनी माशाल्लाह, तेन पता फिर ताया दी गड्डी तो उन बिल्कुल साफ है, स्क्रैचलेस गड्डी है। हाँ वो तो माशाल्लाह नज़र आ रहा है, बिल्कुल ही साफ रखी हुई आपने तो। वही तो मैंने रेम शेम लगवाए ना, मैं बड़ा खर्चा किया गड्डी पे। अच्छा बाकी मुझे भी तैयबू गाड़ियों का बड़ा शौक है, मतलब सिविक तो मेरा लव है ना। बाकी यार तैयबू मुझे भी ना गाड़ियों का बड़ा शौक है, लेकिन मैं आपको अपनी कलेक्शन दिखाता हूँ। आओ मैं देख रहा तो भी बड़ा मतलब माहौल बनाया। हाँ जी मेरे पास तकरीबन सारे सिविक है 90-95 से लेकर आज 95 मैं आपको फिर से दिखाता हूँ शुरू से। अच्छा चलो आ जा। हाँ भाई मुंडिया वो रशीद किधर गया, बदने कह रहे थे आ रहे हैं मैं, 1 मिनट। अच्छा तैयबू ये देख ये है जी मेरे पास 95 सिविक। ओए तू वैसे सारे सिविक इकट्ठे किए थे ना यार, और गड्डी कोई तेरे को। हाँ जी मुझे ना कलेक्शन का बड़ा शौक है, तो मैंने सारे ने कलेक्शन की हुई है इनकी, मैं दिखाता हूँ आपको। एक ये सिविक है 1995 देख सकते हैं आप, सारी गाड़ियाँ ना माशाल्लाह स्क्रैचलेस रखी हुई है मैंने। वो तो आ भी गया। हाँ ना यार वो बस मैं वहाँ पर देखने गया था कुछ आ गया बस। अच्छा तो ये 95 है, ये भी पूरी गाड़ी जो है मैंने खुद लेके तैयार किया था। अबू देख रहे हो काले रंग में पेंट, ये आफ्टर मार्केट है, ठीक है, बाल में पेंट हुई है, सारी गाड़ी पेंटेड है, लेकिन ये रेम शीम सारी गाड़ी मैंने खुद तैयार की है, बड़ी माशाल्लाह बड़ी मेहनत की है इस पर, और नैनी गड्ढे सोनी बड़ी लग रही है खैर नाल जी। उसके बाद ये देखिए ना आप, ये देखिए ये सिविक है 1999 मॉडल। वो अभी यार मेरा लावर है, किस टाइम तक मैंने बड़ी चंगी लगती है यार ये गाड़ी, ये गाड़ी है बड़ी कमाल माशाल्लाह। ये भी जो है स्क्रैचलेस गाड़ियाँ रखी है मैंने सारी की सारी, ने बड़ी मेहनत की है इन पर। अच्छा 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 अच्छा, आपको पता 1995 में ये शेप आती थी। उसके बाद ये फिर ये ईगल आई है, वो अभी मैंने ज़रा ट्यूनिंग के लिए भेजी हुई है, क्योंकि उसके अंदर ऑयल वगैरह चेंज होना था और उसके अंदर मसले आ रहे थे इंजन में दो तीन, वो सारे ओके कराने भेजे हैं। ओ अच्छा तेरे को ईगल आई हुई है, मैं क्या शायद एक नई गड्डी तो मिसिंग होगी, लेकिन तू तो हर मॉडल की गड्डी रखी है सिविक 95 को है ना। हाँ जी, इससे पीछे वाला जो मॉडल है वो हैचबैक वाला था, आपको पता 1995 से पहले, तो वो मुझे ज़रा थोड़ा सा ना टू बी ऑनेस्ट पसंद नहीं था, तो मैंने 1995 से सारी कलेक्शन पर इकट्ठी की है अभी तक। अच्छा 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 फिर ठीक है जी। उसके बाद आपको ईगल आई के बाद ये रिबॉन, रिबॉन भी माशाल्लाह मैंने तैयार की अपने हाथों से, पूरा ये पेपर ऐप हुआ है, गाड़ी वाइट कलर में। वैसे यार लड़के तूने तो मतलब बड़ी मेहनत की होगी, मतलब इस चक्कर से ना पैसे बड़े लगे होने, कोई ना हर गाड़ी में मेहनत करता हूँ माशाल्लाह। उसके बाद आप लोगों को पता है रिबर्थ, ये रिबर्थ देखो सिविक रिबॉन के बाद ये पूरी गाड़ी ब्लैकआउट की हुई है मैंने, यहाँ से थोड़ा जगह कम है सॉरी, कहते मैं सिविक आएगा तो और नहीं खड़ा होती रहेगा, ठीक है नज़र आ रही है। हाँ जी ये देखो ये गाड़ी टोटल ब्लैकआउट, हाँ जी हाँ जी ये देखो ये गाड़ी जो है ना टोटल ब्लैकआउट की हुई है मैंने। फ्रंट लाइटें वो डार्क पेपर लगा हुआ है, लाइटें जलती है बड़ी प्यारी लगती है, ऊपर वो सायरन लगा हुआ है उसमें भी डार्क पेपर, शीशे 100% काले, 5 और 6 मतलब अगला भी फ्रंट भी और चारों भी। ओ यार है गड्डी मतलब इलीगल होगी, फायदा है पुलिस चलाना नहीं देती होगी, बस फिर शौक का आपको पता मोल नहीं, रात को निकालता हूँ 2-3 बजे, पहले आते नजर की आंदा होना, अब क्या कर सकते हैं, शौक है ना बस, गाड़ी एक मतलब प्रोजेक्ट पूरे लॉस एंजेलिस में अलग तैयार करना था तो इसलिए बस। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बाद जो है ये सिविक है मेरे पास एक्स, इसको भी मॉडिफाई किया है, बहुत प्यारा माशाल्लाह, इसके भी सारे किट्स वगैरह जो हैं जापान से इम्पोर्ट करवाई हैं मैंने, देख सकते हैं आप लोग। ओ यार मतलब गड्डियाँ तो तेरी सारी हैं मान ने माशाल्लाह माशाल्लाह। अब बस ये है कि एक सिविक 11 की कमी है, वो आप कोई मेहरबानी कर दो तो। ओ यार मैं उनकी कर सकता जनू में, तेन पता मैं दस इम्पोर्ट बंद हो गई साल डेढ़ तक, बहुत मुश्किल काम है। हाँ अगर है कि अगर महंगी लैनी है 3 करोड़ तक मिल जाएगी सानू, टैक्स टुक्स पा के ना जो हूँ टैक्स की कीमत हाल फिलहाल चली हुई है 3 करोड़ दी पै जाने सिविक, तो फिर 3 गाड़ियों की कीमत एक में कैसे भरते, ये भी तो है ना, वही तो मैं कह रहा। तो आपने सेल नहीं करनी? और नहीं नहीं भाई मैं क्यों सेल कर रही, मेरा तो लाभ है। नहीं नहीं यार ऐसे नहीं करो, जरा आओ एक राइड ले सकते हो अब, और ला ला यार तू भतीजा है अपना, आज इधर बैठे मैं रशीदों के पे। ओह यार इस गाड़ी की तो फील ही लगी, मैं अभी तक सिर्फ इंटरनेट पर देखी था, अब आज पहली बार इस गाड़ी में बैठा, वो भी रशीद तेरी मेहरबानी है। अरे नहीं नहीं ताया अबू बहुत चिल है यार, फुल हमारी तरह बॉय हैं ये भी, मतलब इनके साथ हमारा घूमना फिरना पार्टी शार्टी सब करवाते हैं, हमें बहुत चिल करवाते हैं। ओ हाँ मैं ज़रा चलता आया, तो पता है बूढ़े वाला काम नहीं मेरा। अच्छा अच्छा नहीं यार मतलब पहली बार मैं बैठा हूँ गाड़ी के अंदर, इसका मीटर थोड़ा सा डिफरेंट नहीं है दूसरे वाले से? हाँ यार जितने मैं मंगाई है ना उन्होंने तो थोड़ा सा कस्टमाइज मीटर आता है, जरा सारा डिजिटल है, वो एनालॉग होता है तेन पता है, सारा डिजिटल है, आरपीएम में डिजिटल, सारी चीज़ डिजिटल। अच्छा भाई ये भी वैसे अच्छा प्यारा लग रहा है, बाकी ये सारे फंक्शंस के वर्क करते हैं। और यार मैं कहना नवी गड्डी है, मैं कह रहा हूँ टच ही नहीं हुई आज तक किधर। हाँ ये तो है वैसे। ओए 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 यार इसकी तो पिक ही बहुत ज़्यादा, दोनों गाड़ियों से सिविक एक्स से ज़्यादा पिक है इसकी मेरी। और हाँ तो पिक ज़्यादा थोड़ी जितने पता, फिर यू नो उतने मार दें तो फिर जितना नवा इंजन होएगा उतनी चंगी परफॉर्मेंस होएगी। हाँ जी हाँ जी वही मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा अच्छा तो यार कुछ देख लो, मतलब अगर सेल करनी है तो ये कितने की थी आपने? मैं यार लाई सी 85 लाख दी उस टाइम से, सीधे तेन गल कूड़ मारने में जरूरत नहीं है, बाकी सेल वाला हिसाब मेरा कोई नहीं। रशीद यार तेरे से पहले भी ज़रा बात हो चुकी है, तो ज़रा तू कुछ मेहरबानी कर सिफारिश कर। हाँ तैयब यार कुछ मतलब लगा लो हिसाब किताब, थोड़ा सा देख लो भाई जैसा ये सिस्टम इसके साथ, क्योंकि तैयब अब देखो मेरे ना कलेक्शन में सिर्फ एक गाड़ी की कमी है इस टाइम तक, जितनी सिविक की जनरेशन आई हैं, तो अब अगर आपकी मेहरबानी होगी मेरी कलेक्शन पूरी हो जाएगी, आपने तो और मंगा लेनी है। ऊपर से आप कोई बड़ी गाड़ी लो तैयब, वो पर्सनैलिटी के हिसाब से, इतनी पर्सनैलिटी है आपकी माशाल्लाह। यार वो मेरे को फैला से दस ना किस तरह, इब्राहिम नाम है मेरा तैयब, वो आपके बेटो जैसा हूँ बिल्कुल। वे इब्राहिम पुत्र गल पता कि फिलहाल मेरे को मौका ने पैसे कि सीधी गल जैनवन तो मेरे को फिल अफोर्ड कर नहीं सकता पे फिलहाल ए बेचेंगा तो फिर ये फिलहाल जो लोस एंड लॉस डिमांड वाह हुई है कि मैं जितने मैं जावा ना चाबी फड़ाने उन्होंने मैंने करोड़ दे देना आराम ठीक है 1,20,00,000 तक मैंने ऑफर आई है मैं नहीं दी क्यों क्योंकि यार मेरे मैंने पसंद है मैं ले इसे भाई तो उस पूरे लोस एंड लॉस वन ऑफ वन ने होर किसी को गड्डी है नहीं तेन पता टोर वक्री निकलती है वो तो है लेकिन ताया अबू ज़रा हमारा भी सोचे ना मतलब आपके सामने है मुझे तो ये गाड़ी मतलब ऐसे जान से प्यारी है अगर आप देते हो तो समझो आपके घर से एक घर से दूसरे घर गाड़ी आनी है तो सेल कर दो तो आप मुँह कीमत आपकी मुँह मांगी होगी आपको 1,20 की ऑफर है कि मैं 1,40 देता हूँ और बात करें ताया अबू लेकिन मेहरबानी करें जी रशीद यार तू कुछ क्या है और नहीं नहीं यार मैं सेल नहीं करनी देखिए इब्राहिम बोलता तू जरा देते आ रहे हैं लेकिन गल पता कि मैं सेल नहीं करनी मेरे खुद लाभ है गड्डी मैं बड़ी मेहनत ली है तो बड़ी मुश्किल मंगाई थी मैं गड्डी मैंने खुद सिविक की जनरेशन बड़ी पसंद आई थी मैं कि लाजमी मंगानी मंगानी है इसलिए बस मैं जरा ना तेन पता रखी है यार तैयार कोई तो हल होगा यार कोई हल निकाल लो बीच में से लेकिन गाड़ी बस दे दो यार तैयार ऐसे नहीं करो यार बस सेल ही नहीं करने दो तो फिर गलत कर रहे हैं यार इब्राहिम तो बेटा जैसा मेरा तो फिर गलत कर रहे हैं यार रशीद तू ही बात कर दे अबू यार भाई जैसे मेरा इसके साथ ना पूरा 16 साल पुराना ताल्लुक है जरा थोड़ा सा देख लो कोई बात बनती है तो सीधा यार तेन पता सारी गल मैं गड्डिया किन्ने प्यार ना रखता फिर हूँ आए ना घर तू भी लेकिन तैबू मतलब यार आप जरा बड़ी गाड़ी लो 4x4 थोड़ा यू नो टोरा मैंने ओ नहीं नहीं यार मैं तो खुद मेरा सीधी गल है मेरा फॉर्चूनर का दिल है लेकिन वो फिलहाल मेरे को पैसे नहीं यार हूँ मैं बेच देंगा मेरे को 50 लाख उत्तर मैं कितना लेके आऊँ जी मैं फॉर्चूनर लवा यार तैयार थोड़ा पुराना मॉडल ले लेना आ जाएगी फॉर्चूनर मैं ले दूंगा ओ नहीं यार मैं तेन पता लेनी तो नवी मेरा तेरा लेजेंडर जी तेरे को नहीं खड़ी माशाल्लाह अच्छा अच्छा ये वाली ये मैंने भी 1 हफ्ता पहले लिया ये हाँ लेजेंडर तो मेरा तेल है बस ए तेन पता फिर तेरा 1,80,00,000 तक जा रही है और ना फिर मेरा बजट नहीं बढ़ता मैं की करा यार 40 लाख रुपये किधरों में लै गया तो 1,40,000 मैंने देना था हाँ लेकिन तैयार वो थोड़ी मेहरबानी होगी देखो बेटा कह रहे हैं मतलब समझ लो थोड़ी जी गल यार तो सही कह रहे हैं लेकिन अगले गल भी समझ पूरी समझना यार तैयार वो थोड़ी पर्सनैलिटी बड़ी गड्डी वाली जी सीधी गल वैसे पाकिस्तान में चुप कितना था मैं हाँ जी उतरू था कि कहते ने शाहकोट था अच्छा अच्छा वो शाहकोट मेरे माशाल्लाह बड़े दोस्त रहते ने हाँ जी हाँ जी अच्छा तैयार वो यार कुछ करेंगे अब मतलब बाकी अब तो देखो पीछे से भी आपके दोस्तों का भी ताल्लुक निकल आया कोई और पैसे लेने 1,45,00,000 दे देता हूँ यार इब्राहिम पुत्र समझ नहीं रहा यार मैं कि मैं तेन करदा आ यार ऐसे करते हैं कोई बेच के डील बिठाते हैं ताकि आपको लेजेंडर पसंद है ना मैं तो भाई यार जदों भी बेची तो मैं लेजेंडर लैनी है उधर मेरे को फिलहाल पैसे नहीं है लेजेंडर के पैसे होंगे तो मैं बेच देंगा यार तैबू आप सारी छोड़ो सिर्फ 2 लेजेंडर ले जाओ बाबा है हाँ नहीं तो वो आ जाओ और बात खत्म गाड़ी चेक करो सिविक मुझे दे जाओ खैर है 1 करोड़ मैंने अभी हफ्ता पहले लिया ये मैंने भी इम्पोर्ट किया बड़ी मुश्किल मिली है मुझे भी लेकिन सिविक के चक्कर में ना मतलब मेरी अब कलेक्शन का मसला है आप मान मेरे बेटों वाली बात आपने कोई नहीं की लेकिन ये है कि सिविक मुझे दो और लेजेंडर ले जाओ बात खत्म तो पुत्र मेरे को तो पैसा कोई नहीं फिलहाल कहने के मेरे अकाउंट में 20,000 रुपया पे फिलहाल और यार तैबू ठीक है बस सिविक 2 और लेजेंडर ले जाओ सौदा हो गया रशीद तू क्या बोल इब्राहिम भाई मतलब होश में हो ना यार रशीद तुझे पता है मैं कलेक्शन के पीछे कितना पागल हूँ मैंने अपनी तैयार मर्सिडीज देखे ना ये ली थी रिबर्थ क्योंकि रिबर्थ उस टाइम पे नहीं मिल रही थी अब तो रिबर्थ लोचर हैं और भी हैं लॉस एंटोस में लेकिन उस टाइम पे रिबर्थ नहीं मिल रही थी जब मैंने ये ली थी क्योंकि लॉस एंटोस इस मामले में थोड़ा सा पीछे है जो बाहर मॉडल्स आते हैं पाकिस्तानी वाले ये वेरियंट जो होते हैं इधर मुश्किल मिलते हैं मैंने अपनी मर्सिडीज दे के ये ले ली थी तो आप मुझे दोबारा लगता है वही टाइम आ गया फॉर्चूनर पकड़ो सिविक 2 बात खत्म करता है अब इस पे और बहस नहीं करनी है आपने चलो कागज वगैरह पूरे नहीं होते सब कुछ तो अब चेक करो गाड़ी दिल भर के कागज़ का सीन ये है मेरे पास पड़े हैं रशीद को आप कागज़ दे देना रशीद की गारंटी दे दो रशीद मेरे भाई जैसे रशीद तू तो जानता ना हाँ हाँ मेरी गारंटी होगी तो कागज़ कब तक मतलब क्या सीन है यार रशीद परफार्मा उसमें पड़े हुए हैं कहते हैं अभी चलते हैं ले आते हैं लेकिन सीन ये थोड़ा सा मुझे टाइम की किल्लत है मैंने आज थोड़ी सी छोटी सी मीटिंग है गाड़ी ले जाओ आप लोग सिविक इधर खड़ी कर जाओ कल सिविक के पेपर्स दे देना लेजेंडर के ले जाना रशीद तेरी जिम्मेदारी होगी तू बीच वाला बन जा ₹1,00,000 तुझे दूंगा हाँ ठीक बताओ फिर चलो यार हूँ इब्राहिम पुत्र ने गाली नहीं छाड़ देती यार, और क्या करिए। चलो ठीक है फिर ओके ओके ताया अबू, चेक करो गाड़ियाँ पर आराम से, 0 मीटर है उसका कोई मसला नहीं है, यकीन मानो सिर्फ और सिर्फ 12,000 किलोमीटर चली है, थोड़ा यू नो आपको पता है यूज़ में आती है ये, सिर्फ 12,000 किलोमीटर चली है, बाकी वैसे की वैसे है। चलो फिर जरा ठीक है डील हो गई फिर। ओके ओके रशीद भाई चाबी उसकी जो है पकड़ा देता हूँ आपको, अपनी गाड़ी की चाबी आपकी मेरे पास अभी मैं चला गया हूँ, तो कल भी पेपर्स रशीद तो आ जाए या ताया अबू साथ ले। नहीं रशीद ला लेगा, रशीद तो पढ़ ले फिर। चलो हाँ ठीक है मैं ले लूँगा। ओके फिर डील डन हो गई। ओके हो गया। अच्छा आप लोगों ने बुरा नहीं मानना, मैंने ज़रा जाना आज एक काम, थोड़ी मीटिंग है मेरी, तो फिर निकलता हूँ मैं। आपको गाड़ी की चाबी ये रशीद ये पकड़ो चाबी, बल्कि तो है वो आप ही पकड़ो ये। ओ यार थैंक यू हो गया, तो बड़ा मतलब हैवी सीन हो गया इब्राहिम पुत्र। हाँ चलो मैं फिर अब सिविक लेके जा रहा हूँ आपकी, लेजेंडर आप लोग ले जाएँ, ईजी सीन है, कोई मसला मसाइल हो मैं जिम्मेदार हूँ। बिल्कुल यही गल है, साड़ी गड्डी भी कोई मसला मसाइल ऐसे जिम्मेदार है यार, ठीक है शरीफ बंदे हैं, गड्डी एक नंबर है, कागज़ हर सारे के सारे कागज़ पूरे ने, टोकन टैक्स पेड है, सब कुछ गड्डी ओके, इंजन ऑयल वगैरह सब यही करता है रशीद। हाँ जी हाँ जी वो रशीद ने मुझे बताया वैसे गाड़ी के बारे में। चलो मैं निकलता हूँ, सॉरी मैं आप लोग को ज़रा टाइम थोड़ा कम दे पा रहा है, वैसे आप अंदर बैठे हम खाना वाना खाएँ फिर चली जाइएगा, मुझे ज़रा पहुँचना है। नहीं ऐसे वो खाना खा के आए थे। चल ठीक है यार इब्राहिम पुत्र, फिर इंशाल्लाह होंदी मुलाकात है। चलो ठीक है ठीक है, चलो मैं निकलता हूँ फिर। ओके ओके। चलो यार बहुत मुश्किल से भी मिली है, नुकसान काफ़ी हो गया, मुझे डबल कीमत की मिली है, लेजेंडर देनी पड़ी है, लेकिन ये भी लाजमी थी क्योंकि मेरा ना ज़रा एक अपना जो है ना दोस्त उसके साथ लगी हुई शर्त, उसके पास करोला की सारी कलेक्शन है, मेरे पास सिविक की एक गाड़ी कम थी, तो मैं कहा यार अब ये हर हाल में चाहिए, और जब शर्त लग जाए ना तो फिर इब्राहिम ने देखता है कि नुकसान कितना हो रहा है या फ़ायदा कितना हो रहा है, शर्त जीतता ही है। वैसे यार बहुत मजे की गाड़ी है, ओए कमाल। ओए रशीद यार की होया? अबे मुबारक था बहुत मुबारक हो यार। वाह भाई यार क्या बात है, हम लेजेंडर से घुमा करेंगे, तू के पीछे बैठ जाना। अबे तो दरवाजा नहीं खोलना दूसरा। ओए यार है तो ओए होए के दसा तेन ये गड्डी बिल्कुल ठीक है। अबे यार जस्ट वाला आदमी है भाइयों जैसे मेरे। ओए लेजेंडर क्या बात है यार, रशीद इधर आगे आते चुम्मी लावा तेरी की डील बिठाती हो। अब थोड़ा जज्बाती नहीं होना यार ताया, आप मतलब मजे होंगे हैं, लेजेंडर पे घुमा करेगा ताया मेरा। ओ यार मैं कहना लव ही हो गया यार, तेरा लव ही हो गया यकीन मान। ओए होए होए लव हो गया यार। ओ यार गड्डी तो बिल्कुल साढ़े गड्डी नालों में नवी पई है। हाँ आपकी वाली कितनी चली हुई थी? मेरी 8,000 चली थी, 12,000 चलिए बिल्कुल उनकी पई है यार। हाँ तो बस फिर छीले मार होता है आपू, मैं कहता हूँ मतलब खाना खिलाओ कहीं से, खाना तेन जिधरों कहेंगे उधरों खिलाना। चल भाई मजे हो गए ने, वैसे बहुत बहुत मुबारक हो भाई, मतलब करोड़ का सीधा सीधा प्रॉफिट हुआ है आपको, उसकी यकीन मानो। वो करोड़ तो छाड़ मैंने लेजेंडर लग गई, मेरी फेवरेट गड्डी है अजकल दी, सिविक तो वैसे भी शौक पूरे कर ली, शुक्र है गई है। क्या बात है यार लाभ हो गया गड्डी ते। बात है मुबारक हो चुका, आप जरा ट्रीट दोगे अच्छे से। हाँ चल बड़े तो बड़े होटल चलने यार, जाके तेन खाना खवाना ताया, हम ग्रेट हो गया। चलो कल जिम्मे जुम्मन वगैरह में खाऊंगे। बाकी मेरी यार वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है तो वीडियो करना लाइक, चैनल कर देना, मिलकर सब्सक्राइब। बाकी ताया दी लेजेंडर की हो जल्दी है, कमेंट से लाजमी दसना, मिलने हैं जल्दी, अल्लाह हाफिज़। गली नंबर 3 तबीयतन फकीर आग तोड़ सफलो लाया, दुख से डूबे ये बंदे अजीब, ये बच्ची दे पीछे ये पीने अफीम, ये कट दे नसा दे पींदे शराबा ते चस ते कती ते बेचे जमीर, ये एना दे कख नहीं पले, एना दी जिंदगी नशे दे चले, रैपर ये कट बस कला ये करे, मुकाबले दी गला करावा में खले, चिकी जावास पे नू ते डरने लगे ने सड़ने लगे ने।